आप देख रहे हैं कुबेर भूमि। कोरिया जिले की खड़गवा पुलिस ने इलाज करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले के बाकी 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी विश्वनाथ गिरी को लुंड्रा थाना क्षेत्र के झीरी डीह से पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी ने अपने 3 अन्य साथियों और 2 महिलाओं के साथ मिलकर झाड़ फूक के द्वारा नेत्रहीन बच्चों का इलाज करने के नाम पर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया था। मामला खड़गवा के रहने वाले पेशे से ड्राइवर अजय सिंह ने थाने में शिकायत की। उसके घर में 4 बच्चे हैं, चारों जन्म से अंधे हैं। कई जगह इलाज कराने के बाद भी चारों बच्चों की आंख ठीक नहीं हुई। ऐसे में साधु बाबा के वेश में पहुंचे ढोंगी बाबा ने कहा कि झाड़ फूंक कर उसके जन्म से अंधे बच्चों का 8 दिन में झाड़ फूंक के बाद ठीक कर दूंगा, इसके लिए विधि विधान से पूजा करूंगा। ढोंगियों ने बताया कि जिस घर में पीड़ित रह रहा है उस घर में शैतान है, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए पूजा की सामग्री समेत नकदी 3,51,000 रुपए पूजा करने का खर्च होंगे। पीड़ित ने बाबाओं को एक मोबाइल समेत 5,000 रुपए और नकदी दी। 8 दिन पीड़ित के घर पर रहकर आरोपी करीब 4,00,000 रुपए की धोखाधड़ी कर भाग गए। मेरा नाम सुनमती है। सुनमती, कुछ आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरा 4 बच्चे हैं, 2 सुरदास हैं, दोनों लड़का है। मेरे सास के 2 हैं। 2 हैं, दृष्टिहीन है? दृष्टिहीन है। इनका इलाज के लिए कहीं दिखाया था क्या? रायपुर ले गए थे दिखाने के लिए, वहाँ से मैं कहा ले गए थे। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले अभी इलाज नहीं हो पाएगा, नहीं बनेगा। तो उसके बाद क्या झाड़ फूक करने के लिए कोई आया हुआ था? सुनने में आया है झाड़ फूक करने वाले आए थे, लेकिन वो लोग उधर खाना बना रहे थे झाड़ी के पास। तो मेरा सास जा रही थी हॉस्पिटल, तो वहाँ से बताए कि जाओ मेरे घर खाना वाना बना के खा लेना, ऐसे बोले। फिर क्या हुआ? फिर आके उन लोग खाना बनाने लगे। आग का इलाज के लिए क्या बोले लोग, क्या क्या बात हुआ था? आग के इलाज के लिए कुछ बोले कि देखे कि इन लोग का ऐसा ऐसा है, बच्चे लोग सुरदास हैं करके। फिर उन लोग बोले कि ऐसा ऐसा करवाएंगे तो हम लोग जानते हैं कर देंगे, ऐसे करके कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे करके। उसके बाद फिर क्या मांगे लोग? शाम हुआ, फिर शाम को बोले कि दिखाओ ऐसे करके इलाज कुछ होगा तो इलाज करवाते ऐसे हो जाएगा झाड़ से, ऐसे बोले। फिर दिखाने रात में दिखा दिए हम लोग, फिर दिखाने से फिर बोले कि घड़ा है घर में कलसा, उसी को निकालना पड़ेगा ऐसे करके। फिर इसको निकाले शाम को, फिर पूजा के लिए सामान मांगे, सामान ला दिए हम लोग शामे को पूजा के लिए। फिर शाम को पूजा फिर दिखाए, फिर बोले कि नहीं पूजा अभी नहीं लगेगा, इन दोनों को पूजा का पैसा पैसा लगेगा। कितना पैसा मांगे? जो जैसे बोलते हैं ना कि कटवाते हैं फाड़ा कटवाने के लिए। हाँ, कितना पैसा मांगे? कितना पैसा? 3,51,000 मांगे। और क्या क्या सामान ले गए साथ में? साथ में पायल ले जाए हैं और 2 बकरा और 5,000 पैसा साथ में दिए, हाथ में दिए हैं 5,000 पैसा लेके फरार हैं लोग। इतना पैसा कहाँ से व्यवस्था किया आप लोग? हम लोग अपने परिवार से पूरा मांग के लाने थे, कुछ घर में रहा और पूरा परिवार में अपने अपने कर्जा लिए, कर्जा करके लाए हैं। फिर लोग चल दिए, फिर लोग 4 बजे रात में चल दिए। शिकायत हुआ है इसका? शिकायत हुआ है थाना में। थाना में हुआ है। अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ? गए खोजने गए? आपके पति भी साथ में गए हैं खोजने? साथ में गए हैं पति। मेरा 2 ठे हैं, 2 ठे मेरा बेटा का है, दृष्टिहीन है। दिस्टिहीन। अच्छा, इनके जो अभी पूजा पाठ करने के लिए सुने हैं कोई आया था और आप लोगों से ले ठग के ले गया पैसा? हाँ आए थे। क्या है पूरा मामला बताइएगा। तो वो पहले आया तो बाहर में रहा था, खाना बनाने खाए पिए, खाए के बाद इसका मैं पूछे कुछ जानते हो तो कहें हाँ जानते हैं कुछ झाड़ फूँक करने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि झाड़ फूँक करने के लिए तो हम तो किसको देखा है, बोल लड़कन को। तो वो बच्चा वो बोला कि आप दिखाइए तो देखें, कुछ देख लिए और बाद छोटा छे घड़ा निकारा अंदर से, उमे टिकली रहा, सिंदूर रहा, जो क्या कहते हैं चूड़ी लाल पीला। फिर क्या हुआ? फिर वो दिखा लिए और बाद हुआ कि देखो नखुन रहा और हड्डी रहा। पैसा वैसा का मांग किए लोग? हाँ, तो बता था शुरू से कि पैसा का मांग किए कि वो देखा था कहे ये पैसा इसका
351,000 आपका पूजा के लिए पैसा लगेगा, ऐसे बोला। तो दिए थे मैं पैसा। कितना पैसा दिए थे? 351,000। फिर? और फिर गाड़ी किराया 5,000। और फिर गाड़ी बुकिंग करके पहुंचाने के लिए ये ऐसा लोग पहुंचाने के लिए गाड़ी लगेगा। तो हड्डी धर के वो घड़क धर के चले गए। और दो ठे बकरा चल दिए। फिर चल दिए 4 बजे रात। फिर क्या हुआ? आए बताए चले गए, बताए के गए। बाकी क्या बोल के गए थे? पायल 6 जोड़ी के पायल। क्या बोल के गए थे? कि मैं दिवाली के बाद आऊँगा। अभी तक नहीं आए लोग? अभी तक नहीं आए। फोन लगाए, फोन नंबर दिए तो स्विच ऑफ करके रख दिए। कौन कौन थे, कई लोग थे? 2 लेडीज रहा, 4 पुरुष रहा, 1 बच्चा रहा। अच्छा, पहचानते थे इन लोगों को कहाँ के रहने वाले हैं? उसको नहीं पहचाने थे। नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। वो बोला कि मेरे नाम पैकरा जी है। और पैकरा जी का नाम से वो यदि इत का गाँव बोलते हैं, जसपुर और बगीचा। वहाँ के रहने वाले बताए? हाँ, वही रहने वाले बताए। तो शिकायत इसका थाने में कर दिए हैं? कर दिए हैं। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले खोज मोड़ कर रहे हैं। कब की घटना है, कब हुआ ऐसा वारदात आपके यहाँ? वो 10वीं विजय के दिन। विजय दशमी के दिन? हाँ, वो 15 तारीख का आया।